यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। हो जाएगी बड़ी जिंदगी खड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी, पल हाथों से जाए ना बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही बल की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। कहाँ हो गए राजू अंकल? वो तो उस हरे टेम्पो में जा रहे हैं। पप्पू अभी तक घर नहीं आया धर्मेश। टिकली कहाँ, वो आया था? अगर वो आया था तो फिर घर क्यों नहीं आया? हो सकता है उसने आपकी बात सुन ली हो। पप्पू तुम यहाँ कैसे? अब से हम जहाँ ये वहाँ। कैसे हिम्मत रखो, कैसे, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया, किस हाल में होगा, कुछ कहा होगा भी कि नहीं। कैसी है कामनी? कामनी साहब अब और सहा नहीं जाता, आखिर मैं भी तो इंसान हूं। अरे भाऊजी आप। अरे बेटे धर्मेश ये सब क्या हो गया? बेटा हमने तो जैसे ही सुना एकदम से, पप्पू को कुछ पता चला? नहीं बाबूजी अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम सारे रास्ते उसे ढूंढ रहे हैं। ये दामले साहब हैं हमारे बैंक मैनेजर, ये भी रात भर से हमारे साथ हैं, इनकी पत्नी रोहिणी कामनी के साथ हॉस्पिटल में है। कामनी, कामनी ठीक तो है ना बेटा? हाँ अभी ठीक है, उसे सुबह होश आ गया था, हम सुबह 6 बजे वहीं से ही आए। हमें तो जैसे पता चला सीधे हम टैक्सी करके आ गए। मैं जाती हूँ कामिनी के पास। आप थोड़ा आराम तो कर लेते, 3.5 घंटे आराम ही किया है टैक्सी में बैठी। ठीक है मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे घर जाना है फ्रेश होने के लिए, उसके बाद बैंक चला जाऊंगा। आइए। अच्छा धर्मेश। अच्छा धर्मेश सर कहाँ है बेटा? अपने रूम में। आई बाबू जी बेटी श्री रेशम की गोली दी है इसीलिए सो रही है। धर्मेश जी आए तो जरा कहना मुझसे मिल ले, आज शाम तक डिस्चार्ज दे देंगे। ओके चलो। अमर गुप्ता नाम का लड़का जुहू विले पार्ले स्कीम से 2 दिनों से लापता है। कद 4 फीट 11 इंच, गोरा रंग,
स्कूल यूनिफॉर्म में है। पप्पू को जिस किसी ने देखा हो तो कृपया जू विले पार्ले पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। दूरध्वनि क्रमांक 620-2190। धन्यवाद। डैडी, भैया को हमारी याद आती होगी? हाँ बेटा। तो वापस क्यों नहीं आते? अब तो एग्जाम भी बहुत करीब है। आ जाएगा पप्पू। उसे आना ही होगा नाना जी। भैया कहते थे मिनी मैं डैडी की तरह पढ़ लिख कर बैंक में मैनेजर बनूंगा। क्यों नहीं बेटा, हमारा पप्पू बहुत बड़ा मैनेजर बनेगा। शाम हो गई है, चल के माता की जोत जलाने। चलिए, मुझे भगवान जी से दो बात प्रार्थना करनी है, एक भैया के लिए और एक मम्मी के लिए। चलिए। आजा बेटा, आजा मेरे बच्चे। न जाने किसकी नजर लग गई इस हंसते खेलते परिवार को। कहाँ होगा, कहाँ होगा मेरा पप्पू? कैसा होगा, क्या कर रहा होगा? ये सब क्या है? पप्पू के कपड़े हैं। तो वो मैं गंगू से कह रही थी कि इसे धोकर प्रेस कर दे, पप्पू आता ही होगा। पप्पू को मैले कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और गंगू, उससे कहना आलू की सब्जी ही बनाए, उसे और कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, आपकी तरह आलू ही खाता है। क्या देख रहे हैं? बहुत थकान महसूस हो रही थी ना, इसलिए शाम को नहाया नहीं। बाल भी बिखरे हैं ना, क्या करूं? कामनी, बहुत थक जाती हूँ। कामनी, चला भी नहीं जाता। पप्पू आता ही होगा। पप्पू। कामनी, तुम सच्चाई से क्यों भाग रही हो? जो हुआ है वो हुआ है। देखो, हम हालात और नसीब को नहीं बदल सकते, जो सच है वो है। मेरा दिल नहीं मानता धर्मेश। होश में आओ, जो असलियत है वो है। देखो, आज दो दिन हो चुके हैं, पप्पू हमें छोड़ के जा चुका है। वो आएगा। अरे जब आएगा तब आएगा, अभी नहीं है धर्मेश। देखो कामनी, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज, कुछ नहीं जानती। देखो कामनी, माँ माँ मेरा पप्पू है ना, माँ आएगा ना, माँ मेरी बात तो सुन कामनी। देखो कामनी, मत कहो ना बार बार, मेरा पप्पू है। कामनी, वो आएगा, आएगा, मुझे आवाज देगा। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। डोंगे भाई, नहीं आटा गूंथ दो। कामनी, अपने पप्पू के लिए ना पुलका बनाऊं, तू आटा गूंथ जा। देखो मेरी बात सुनो, देखो कामनी मेरी बात सुनो। अच्छा पप्पू, हाँ वो आएगा कामनी, प्लीज। देखो समझने की कोशिश करो। आपके शहर बिलासपुर में आपके मनोरंजन के लिए पहली बार आया है द ग्रेट रेमन सर्कस। जैसा बताया वैसी ही बातें करना। हाँ। मैनेजर साहब बहुत गुस्से वाले, मतलब बहुत कड़वा बोलते हैं, मगर इंसान बहुत अच्छे। तो क्या वो डांटेंगे? डांटेंगे तो क्या हुआ? आपको भी डांटते हैं? डांटते, कभी कभी मारते भी हैं।
मारते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? बुरा क्यों लगेगा? जो रोजी रोटी देता है, खाना कपड़ा देता है, वो डांट भी तो सकता है प्यार के साथ। जो प्यार करता है उसे डांटने का भी हक है। माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, वो गुनाह थोड़े करते हैं। बेटे की भलाई के लिए वो ऐसा सख्त कदम उठाते हैं, है ना? अरे डिंकी तुम आओ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मोहन और बबलू बहुत खराब है। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, वो भी तो तुम्हारे दोस्त है ना। वो क्यों कहते हैं कि पप्पू को गुंडे उठाकर ले गए, कह रहे थे कि पप्पू भीख मांगता नजर आएगा, कितना बुरा सोचते मोहन और बबलू। डिंकी तुम बहुत अच्छी। पप्पू भी अच्छा है अंकल, और जब आएगा ना तो हम दोनों फिर से एक साथ स्कूल जाएंगे। जरूर रहेगा। तुम स्कूल जा रही हो ना? अकेली जा रही हूँ, जब पप्पू आएगा उसके साथ मैं जाऊंगी। अंकल पप्पू का फोन तो आया होगा ना? हाँ बेटा पप्पू का फोन आएगा ना, आएगा फोन उसका। उनका नंबर आता आएगा तो वो जरूर फोन करेगा। उसे कहना डिंकी रोज स्कूल जाते समय उसको याद करती है। उसे कहूंगा कि डिंकी बहुत याद करती। तुम दोनों स्कूल जाओगे? हाँ अब स्कूल जा रही हो ना, जाओ संभल कर जाना। बाय। तुझे जैसा बताया वैसा ही करना, ठीक है? मुझे डर लग रहा है। तो चल बॉम्बे का टिकट कटवा देता हूँ तेरा। नहीं मैं तैयार हूँ। राजू भाई रघुनाथ ने बुलाया है, फटाफट जाओ। तो चल मैं आता हूँ। इतना रौब क्यों दिखाता है? वो कहा वो करना था, मैं तो बहुत पीटेंगे तेरी को। पकड़ लो। वो रिंग मास्टर के पास बैठ गया इसलिए बच गया। तो आप जाकर पकड़ लो ना। रिंग मास्टर के पास जाने में सब डरते हैं, वो सारे कलाकारों के बॉस होते हैं ना, वो पिंजड़े में डाल देंगे शेर के। अरे चलो कहीं माधव ने देख लिया तो आफत हो जाएगा। चलो भागो। 2000 रुपया क्यों चाहिए? काम था। हर महीने में कुछ ना कुछ तो होता ही है तुम्हारा। पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना। तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी सर्कस का खर्चा बढ़ते जा रहा है, कोई समझने को ही तैयार नहीं है। जाओ रुको। ये लो अकाउंटेंट को दे देना, 1,000 फिलहाल ले लो। वैसे तो हम अभी यहाँ आए हैं, 2-4 दिन बाद और ले लेंगे। नमस्ते। अच्छा क्या काम है तेरा? जी वो पैसा मांगेगा तो माधवन को बोलकर रात के शो में तुझे शेर के साथ भेजूंगा। नहीं पैसे तो पैसे है ही नहीं, जो आता है वो पैसा पैसा मांगता है। जाओ। सर वो काम था है। तो बोलो ना। पप्पू। कौन पप्पू? मेरे साथ है पप्पू। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? अच्छा लड़का है ना? मगर है कौन? अनाथ है, मेरे दूर के रिश्ते में है। ये नजदीक कैसे आ गया? काम के लिए, कुछ काम करना चाहता है। क्या काम आता है तुझे? क्या काम करेगा तू? मैं मतलब कुछ भी कर लेगा, ईमानदार है, मेहनती है। क्या पगार लेगा? यहाँ तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, खाना रहना पीना, और 400 रुपए मिलेगा। 400?
हाँ चल 500। साफ सफाई का काम करना पड़ेगा और यार सर्कस के कलाकारों को चाय और पानी शो के टाइम खिलाना पड़ेगा। कर पाएगा तू? कर लेगा ना। नमस्ते कर। नमस्ते। पैर छू के। नमस्ते। आयुष्मान हो। पहले का 20 रुपया बाकी दे। 20 रुपया? हाँ, चार गाड़ी बनाए, गाड़ी का 5 रुपया। अरे 5 रुपया तो फुल चार्ज का होता है, मेरा तो सारा आलू के जैसे एक गाड़ी का 1 रुपया दूंगा। नाटक नहीं। अरे खैर कोई बात नहीं, आपका गाड़ी में 5 बार बना दूंगा। हिसाब बराबर ठीक बोला था नहीं पप्पू? पहले पैसा दे। ए, क्या हो रहा है ये? सलाम हुजूर। जी गुरु जी। सो का टाइम हो रहा, मस्ती करा भी तू? बेटा टाइगर के पीठ पर बिठाता तुझे आज। दाढ़ी बना दो हुजूर आपकी। चल आजा। ए पप्पू एक चाय ले करा। चाय नहीं हुजूर, एक कॉफी हो जाए तो। अबे अपने लिए कह रहा था। अच्छा जा एक कॉफी भी ले कर आ। जी पप्पू। हेलो पप्पू। नमस्ते जेनी आंटी। अरे तुम यहाँ काम पर लग गए? जी राजू अंकल के कारण नौकरी मिल गई। अब मैं बाबू के साथ रोज खेलूंगी। तुम यहाँ चाय पिलाने का काम कर रहे हो? हाँ क्यों? यह काम तो छोटा है, तुम तो अच्छे घर के लगते हो। काम छोटा क्यों है, सारे कलाकारों की सेवा करना ये तो अच्छा काम है। मुझे सर्कस में काम करने की बहुत तमन्ना थी, आज वो पूरी हो गई है। चाय क्यों नहीं आई? जा भाग, चाय दे जल्दी माधव उनको। हाँ उनको गुस्सा जाएगा तो शेर के सामने खड़ा कर देंगे, रिंग मास्टर है ना। हाँ, अभी आया बेचारा। मम्मी पप्पू अच्छा लड़का है ना? हाँ। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, चल तुझे झूले पर ले चलती हूँ। नहीं मुझे डर लगता है, आज नहीं प्लीज। डरते क्यों हो? तुम्हें पता है जब मैं 8 साल की थी ना तब पहली बार झूले पर झूले थे और हाथ सटक गया था। अच्छा, मगर दोबारा नहीं। चल तेरा डर भी चला जाएगा। सर चाय। बहुत देर लगाता है तू, हर काम में गप्पे हाथ पे रहता है, फिर इतनी देर की। तो शेर के सामने डाल देंगे हुजूर। फिर भी क्यों बोला तू? गलती माफ हुजूर। बहुत दिनों से टाइगर से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। मर जाऊंगा हुजूर, 2 बीवी 8 बच्चे मेरे अनाथ हो जाएंगे। फटाफट हाथ चला। फटाफट हाथ चला, पहली घंटी बजी है, पहला शो मेरा है। और तू यहाँ क्या कर रहा है पप्पू? जी जा, सबको चाय पानी चाहिए होगा। जी। ये लड़का पहले नहीं देखा हुजूर? नया है, स्मार्ट है पप्पू, इसको मैं रिमास्टर बनाऊंगा। अब देखिए टपी स्टार मयूर और उसके साथियों के कारनामे।
डबल डोर। कामिनी जी अब कैसे हैं? सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कामिनी जी, पप्पू स्कूल से आता ही नहीं, सारे लड़के अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, मगर पप्पू क्यों नहीं आता? मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शरबत पी लो। अपने पप्पू के लिए शरबत रखा ना, पप्पू को शरबत बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मैंने रख दिया है, तुम शरबत पी लो और फिर थोड़ा आराम कर लो। आराम? यहाँ बैठे बैठे आराम ही तो करती हूँ, पप्पू का इंतजार करती रहती हूँ सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, मगर पप्पू आता ही नहीं। कामिनी जी, वो जरूर आएगा। अच्छा, तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मिनी, मुझे बेडरूम में लेके चल। सब कुछ बिखर सा गया है, ध्वस्त हो गया है। देखने में ये घर कितना सजा संवरा लगता है, लेकिन मन से बिल्कुल खोखला हो चुका है। शिवानी, ऐसा लगता है कि कामने के लिए तो वक्त जैसे रुक सा गया है। उसकी सोच उस दिन से ही ठहर गई है जिस दिन पप्पू घर छोड़ के गया था। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कामनी
धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन उनका कहना यह भी है कि कामनी को इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि पप्पू वापस नहीं आया है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि कामनी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पप्पू कहीं चला गया है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। पप्पू का कुछ पता चला? नहीं, पुलिस तलाश कर रही है। वो कहां गया होगा? हाँ, पप्पू वैसे अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है, बस वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। लेकिन बाकी बातों में उसका बहुत दिमाग चलता है। कहां गया होगा तो ठीक से नहीं कह पा सकता, लेकिन मेरा मन कहता है कि वो जहां भी होगा खुश होगा। शिवानी, सच बात तो यह है कि ये सब मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं। हम क्या दूसरों की जिंदगी प्लान करेंगे? अपनी तो जिंदगी ठीक से प्लान कर नहीं सकते। मैंने सोचा था कि मैं पप्पू को ऐसा पढ़ाऊंगा, वैसा पढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, सब कुछ तारा का तारा देखिए।